फसलपुर में धागे की सप्लाई बंद होने से बुनकरों पर आर्थिक संकट की नौबत आ गई है, जिससे लेकर बुनकरों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि जिले में धागे की कमी हो गई है, जिससे सप्लाई बंद है। अगर जल्द ही कुछ कदम नहीं उठाए गए तो कई बुनकर बेरोजगार हो जाएंगे। धागा देते रही थे और हमारे यहाँ ले कपड़ा लेके जाते रही थे, वही हम रोजी रोटी चलाते रहे भाई। अब आज बंद कर थे हैं तो हम कहाँ जाए, बेरोजगार हो गए। हमारे लड़का मन कैसे पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ हैं। यही माध्यम से हम सरकार निवेदन कर रहे हैं कि हम का धागा दे और मजदूरी दे, हमारे काम ले चला। हमारा जब देश आजाद नहीं हुआ था उस समय से हथकरघा का व्यवसाय चल रहा है और वर्षों से देवांगन समाज इस व्यवसाय में पारंगत हुआ और नए नए कलाओं को जन्म दिया। लेकिन विगत चार माह से देखने में आ रहा है कि वर्तमान सरकार के द्वारा धागे की सप्लाई नहीं की जा रही है, जिसके कारण बुनकरी कार्य बंद होने के कगार पर है। समस्या आ गया, जो चार महीना से बिल्कुल धागा देना बंद कर दिए हैं। अब हमारा स्थिति ऐसा हो गया है कि कहीं जगह हमको कोई काम नहीं है, हम तो कुछ काम जानते नहीं बुनकरी छोड़ करके। अब हम कहाँ जाए, भूख मरने के कगार है। हमारे परिवार जो है गली गली के होने लगे हैं, इसके कारण जवाबदार तो शासन का है। उनके द्वारा धागा नहीं मिलना बताया गया और धागा के संबंध में जो है माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है, उनके नाम से ज्ञापन सौंपा गया है और उनको जो है माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित कर दिया। धंधा में नेवरा सतनामी समाज